हम कल बात कर रहे थे अपन अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, एससी कमीशन और एसटी कमीशन। मैंने आर्टिकल्स में जो अनुच्छेद जो मैंने आपको बताया था, तब मैंने बताया था कि जो एससी के लिए आयोग है, यानी कि एससी कमीशन यानी अनुसूचित जाति आयोग जिसको आप बोलते हो, वो है अनुच्छेद 338 में, और एसटी के लिए जो कमीशन है वो 338 ए में है या 338 का में है, ठीक है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, ठीक है। ये आपको पता होगा जो आपका 2003 में संशोधन हुआ था, कौन सा था, 84 भूल गए, ठीक है, लिखेंगे अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, लिखेंगे। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मुन्ना। कुछ भी, राम शंकर कठेरिया, ठीक है। ये अनुसूचित जाति एससी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और ट्राइब यानी जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, क्लियर। तो एससी कमीशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, रामशंकर कठेरिया, लिख लीजिएगा या फिर कहीं पे जो गूगल में सर्च भी कर लीजिएगा जिसको कंफर्म करना होगा तो, ठीक है। चलिए लिखेंगे अगला, अगली लाइन लिखेंगे इसी में, संविधान का अनुच्छेद 338, संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए, यहां दोनों का उल्लेख हो रहा है, ठीक है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए, आप इसको शॉर्ट में एससी और एसटी लिख सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है जो उनके संवैधानिक संरक्षण जो उनके संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का जो उनके संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे। ठीक है, अगली लाइन लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लिएगा, अगली लाइन जो है, ठीक है। उन्नीस सौ नब्बे के पैंसठवें संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी के लिए 1990 के 65वें संविधान संशोधन द्वारा एक विशेष अधिकारी के स्थान पर
एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय SC/ST आयोग की स्थापना की गई। एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय SC/ST आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, पुनः 2003 के 89वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 2003 के 89वें संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन कर एक राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन कर एक राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन कर एससी आयोग यानी कि अनुसूचित जाति आयोग एससी आयोग कोष्टक में लिखेंगे अनुच्छेद 338 एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, कोष्टक में लिख लिया 338 व अनुसूचित जनजाति आयोग या एसटी आयोग या एसटी कमीशन अनुसूचित जनजाति आयोग कोष्टक में लिखेंगे 338 का 338 ए या 338 का गठन किया गया, बड़ा का, ठीक है, का गठन किया गया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो आपका 65वां संविधान संशोधन था 1990 उसमें एक संयुक्त आयोग था एससी आयोग और एसटी आयोग, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग इस तरह कहलाता था ये। बाद में आपका जो 89वां संविधान संशोधन हो रहा है 2003 में, ठीक है, तो इसमें एक अलग कर दिया गया, यानी कि फर्स्ट वन इज एससी कमीशन दैट इज शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन और जिसका उल्लेख था 338 में अनुच्छेद 338 में, ठीक है, ये वाला, और एसटी कमीशन कर दिया गया 338 ए, ठीक है, या 338 का, क्लियर। एक चीज पे ये याद रखना है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक दिन ध्यान होगा कि अनुच्छेद 366-25 ध्यान है, इसमें अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है, मतलब कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति होंगी अनुसूचित जनजातियां होंगी इनका जो टोटल उल्लेख है ना राष्ट्रपति करता है, पता है ना, तो इस अनुच्छेद में किया गया है। आप एमपी में भी जब पढ़ेंगे ना, आपने पढ़ा होगा एमपी में भी, तो एमपी में भी अनुसूचित जातियों संबंध पहली लाइन यही लिखी हुई है कि अनुच्छेद 366-25 के अंतर्गत उल्लेखित जातियां जो भी अपने यहां है, मतलब कि भील बैगा जो भी आती है वो सब इसी में आती है, क्लियर है ना, तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे अपन।
लिखेंगे वर्ष 2004 से, वर्ष 2004 से एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। वर्ष 2004 से एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या फिर वही नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स, सॉरी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। वर्ष 2004 से अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया, मतलब संशोधन जो आपका हो गया था वो तो 2003 में हुआ था, यही हुआ था ना, 89वां संविधान संशोधन, ठीक है। और अस्तित्व में कब आ रहा है अपना जो आयोग है वो 2004 में, पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले एक अध्यक्ष उसका हुआ करता था, अब वो अलग है ना, इसलिए, क्योंकि यदि मैं एक का बताऊंगा तो आपको फिर वही कंफ्यूजन, इसलिए मैं दोनों को साथ बता दिया। कब तक? साथ से 2003 में आपका ये अनुसूचित जाति आयोग अलग हो जा रहा है, ठीक है, मतलब संविधान संशोधन 89वां संविधान संशोधन है। और फाइनली जो अपना कमीशन मतलब एग्जिस्ट करता है या फिर अस्तित्व में आता है वो है 2004 का, ठीक है। लिखेंगे अनुसूचित सॉरी आयोग के कार्य, अनुसूचित जाति आयोग के कार्य, ठीक है, फंक्शंस ऑफ शेड्यूल कास्ट कमीशन। ठीक है, क्या समस्या दे रही हूं? ठीक है, पहला अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों का निरीक्षण, अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण, अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण। एवं क्रियान्वयन की समीक्षा, क्रियान्वयन बन जाएगा लिखते ना, एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करना, ठीक है। अब एससी, अब मैं जो शब्द बोलूंगा मैं बार बार वही एससी नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट सीधे सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए इस पे, ठीक है। हितों का उल्लंघन करने वाले, मतलब एससी के हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच पड़ताल, हितों का, एससी के हितों का, ठीक है, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना, हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों एवं कार्यों का प्रतिवेदन संरक्षण के लिए, एससी के संरक्षण के लिए, ठीक है, संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों, क्या लिखांगे, उठाए गए कदमों एवं कार्यों का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपना या भेजना। तो एक चीज ये याद रखना है कि एससी एसटी आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रतिवेदन किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, सदन में नहीं देता है, ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न आप ज्यादातर को सदन को देता है, संसद में बैठ सौंपता है, नहीं, राष्ट्रपति को सौंप रहा है, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों एवं उनके सामाजिक आर्थिक विकास व लाभ के लिए प्रयास करना। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों एवं उनके सामाजिक आर्थिक विकास एवं लाभ के लिए प्रयास करना। एक ये प्रश्न आता है कि इसको किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, मतलब कि जो आयोग होता है, ठीक है, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। लिख लीजिए कहीं पे, सामान्यतः बुकों में नहीं रहता है, ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग दोनों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती, कहीं पे अंडरलाइन करके लिख लो ऊपर नीचे पेज में, लाल पेन नीली पेन जो भी आपके पास हो, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, ये परीक्षा में आता है, ध्यान रखेंगे। सिविल न्यायालय मतलब ये सजा नहीं दे सकता, हर चीज की सिर्फ सिफारिश कर सकता है, जांच कर सकता है, ठीक है, लेकिन सिफारिश कर सकता है। मतलब यदि किसी को सजा देना है, कोई भी चीजें करना है, तो ये सिर्फ सिफारिश कर पाएगा सरकार को, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, लेकिन ये खुद में फैसला नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, नीचे लिख लेंगे स्टार पॉइंट बना के, ये अगली लाइन से कार्य से भिन्न है ये, ठीक है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ठीक है, ओके। अगली लाइन से लिखेंगे, आपको यह पता होना चाहिए कि परीक्षाओं में कभी कभी आता है कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ, महिला आयोग का गठन कब हुआ, आया परीक्षाओं में, आपने यदि रैंडम क्वेश्चन देखे होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। तो ये स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ आयोग का नाम बोलूंगा, कोष्टक में सन बोलूंगा, उनको लिख लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्या नाम है इन लड़की का, क्या नाम है आपका, आपके पीछे इनका, अनुराधा, अनुराधा कल से आप सामने बैठना, ठीक है, अपने साथी संगतियों से अलग, ठीक है, चुलबुलापन यहां पे नहीं, ठीक है। लिखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय महिला आयोग गठन कब हुआ 1992 में, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया ये, ध्यान रखिएगा, उठा के देखिएगा पुराने पेपर व्यापम में ही, है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, क्लियर, कॉमा लगाइएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कोष्टक में लिखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 लिखना है आपको, दूसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, माइनॉरिटी कमीशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक जिसको आप बोलते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको आप बैकवर्ड कमीशन बोलते हो, ठीक है, अदर बैकवर्ड, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, हाँ ये भी 1993। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी कई बार आया, 10 दिसंबर 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, इसको भी 93,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोलते हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007, ये आयोग संवैधानिक ना होकर, लिखेंगे इसी के साथ में, लिख रहे थे आप क्या, ये आयोग संवैधानिक आयोग ना होकर, ये आयोग संवैधानिक आयोग ना होकर सांविधिक आयोग है, सांविधिक, ये आयोग संवैधानिक आयोग ना होकर सांविधिक आयोग है। क्यों संवैधान सांविधिक है ये? क्योंकि संविधान में इनका ना महिला का मतलब जो आपका वुमेन कमीशन है, जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन है, ये भी नहीं है, ठीक है, ओबीसी का भी उल्लेख नहीं है, अब हो गया है, ठीक है, क्योंकि इनका संसद के द्वारा अधिनियम बना के गठन किया गया है, ठीक है, मतलब दे आर बेसिकली नॉट इंसिडेंट अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, उस पर निहित नहीं है ये, क्लियर, ओके, लिखेंगे, क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा, क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है, हाँ, क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है, ओके, लिख लेंगे आयोग की शक्तियां, आयोग की शक्तियां, पहले लिखेंगे, जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है, जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है तो इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, ठीक, जांच कर रहा है तो इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, दीवानी मीन सिविल ही है, ठीक है, जो भी आप लिखे हैं ना, दीवानी, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, विशेषकर निम्न मामलों में, पहला लिखेंगे, किसी व्यक्ति को समन करना, किसी व्यक्ति को समन करना या समन करने में, ऐसा लिखे, किसी व्यक्ति को समन करने में, समन करना मतलब बुलाना, ठीक है, समन जिसको बोलते हैं ना, समन भेजते हैं लोकल भाषा में, किसी व्यक्ति को समन करना, तो वो समन होता है, समन नहीं होता है, ठीक है, समन बस, किसी व्यक्ति को समन करना। दूसरा लिखेंगे, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, प्रकट करने की,
अगला लिखेंगे शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। शपथ पत्र समझते हैं आप लोग, एफिडेविट जो आप स्टाम्प में लिखवाते हैं, शपथ पत्र नोटरी के पास लिखवाते हैं, एफिडेविट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक है, वही होता है शपथ पत्र, ठीक है। और उसमें कभी कभी गवाह के साइन होते हैं, समझते हैं ना, तो वो गवाह होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि शपथ पत्र का मतलब ये होता है कि आप कमिटमेंट जो होता है ना, आपकी बात का कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन उस शपथ पत्र को आप गवाह बतौर मतलब साक्ष्य बतौर पेश करते हैं, कर सकते हैं किसी न्यायालय में या फिर किसी भी संस्था में, इसलिए उसका महत्व होता है, ठीक है, क्लियर। आप जैसे मान लीजिए आप गाड़ी ले रहे हैं किसी से, आप मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आपने उसका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं ट्रांसफर कराया अपने नाम से, ठीक है, मान लीजिए आपने सेकंड हैंड किसी से बाइक कार कुछ भी ली, ठीक है, और आप उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको वो शपथ पत्र दे दिया कि आपने उसके साथ खरीद लिया बेच ली, ठीक है, जैसे आपने कुछ लेन देन किया पैसे पैसे का, ठीक है, तो आप ये लायबल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, मैं आपसे 50,000 रुपए ले रहा हूं, ठीक है, और शपथ पत्र में मैंने साइन कर दिया कि यस आई एम बोरिंग 50,000 फ्रॉम दिस वन या किसी भी लड़के या लड़की से, ठीक है, ये 50,000 का लिया, और मैं भविष्य में कहता हूं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आप उस शपथ पत्र के आधार पर मेरे खिलाफ FIR करवा सकते हैं धोखाधड़ी का, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं करा सकते, ओरल या फिर कोई भी आपके पास सबूत नहीं है तो नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं क्योंकि नोटरी उसमें साइन करता है, ठीक है, और नोटरी वकील होता है जिसको नोटरी यानी उसके साक्ष्य ग्रहण करने या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, ठीक है, मतलब वो नोटरी जो होता है वो वकील ही होता है, सीनियर वकील होते हैं, तो वो उनको ये अधिकार होता है कि अपने सामने साक्षी के शपथ पत्र बना सकते हैं, उपस्थित कर सकते हैं, ठीक है, और उसको वो साइन करते हैं कि हमारे सामने ये किया गया है, ठीक है ना, तो ये होता है। अगला लिखेंगे शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, साक्ष्य यानी सब वो गवाह जो होता है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, साक्ष्य साक्ष्य ग्रहण करना, ठीक है। अगला लिखेंगे कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाए, अनुसूचित जनजाति आयोग, अगली हेडिंग डालेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज या शेड्यूल ट्राइब्स। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 का के द्वारा किया जाता है, सॉरी किया गया है, लिखेंगे इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 का जो लिखा हुआ है 338A के द्वारा किया गया है 1999 में एसटी जातियों के कल्याण व विकास के लिए, अंडरलाइन कर लेना इसको, 1999 में अनुसूचित या एसटी जातियों के कल्याण एवं विकास के लिए 1999 में एसटी जातियों के कल्याण एवं विकास के लिए एक नए जनजाति मंत्रालय की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब जो आपका मंत्रालय आया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्रालय जो अलग होता है, मैंने कि मंत्री वगैरह जो बनाना शुरू हुआ इनके लिए ये बन रहे कब से, 1999 से। सेम दिमाग में रखिएगा कि एसटी के लिए जो आपका, जैसे मैंने एससी कमीशन बताया वो कब से आया, 2004 से ना, तो एसटी के लिए भी जो आया वो 2004 से ही आया, ठीक है,
हाँ तो 2004 से दोनों का ही होगा, आप एससी वाले सिर्फ एससी का लिखें, ठीक है लिखेंगे वही एक लाइन लिखी लो। 2004 से अनुसूचित जनजाति आयोग, 2004 से अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया, अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। ये जेल प्रहरी वाले पेपर कब तक हैं? इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आप लोगों क्या है? रेलवे और कुछ? देखिए अभी आप लोगों ने यदि जेल प्रहरी का एग्जाम दिया होगा ना, तो मैं सीधे सीधे चीज जो बताया था आपको पहले भी, व्यापम के लिए आपकी साइंस मजबूत होनी चाहिए, पहली चीज। पॉलिटी सेकंड नंबर पे आती है, कोई भी पेपर उठाइए जेल प्रहरी का भी, आप 3-4 नंबर के आपको आर्टिकल वगैरह मिल ही जाएंगे, और जिनके आर्टिकल यदि रटे होंगे तो पूरा आप उस पर टीप के भी आएंगे। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, साइंस पहली दफा मजबूत कीजिए, एमपी साथ में लेके चलना है, यानी कि साइंस और एमपी मजबूत रखिए आप, व्यापम के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी या फिर कोई भी चीज एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे स्पीडी रट मारिए, ठीक है, रेलवे स्पीडी, उसको पढ़ने में मजा आता है, आपको पता है क्यों? वन लाइनर फैक्ट तो है, तो है। हर जो 10 क्वेश्चन दिए हुए ना, मान लीजिए 1999 का, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ने में बोर नहीं होते हैं, लाइक लूसेंट यू आर गेटिंग बोर्ड जस्ट आफ्टर 1 or 2 पेजेस, ठीक है, लेकिन आप इस पे पढ़ते जाइए, आपको हर विषय का क्वेश्चन मिल रहा है तो आप बोर नहीं होंगे। यदि आपके पास समय है ना तो देखिए उस पे मैं बता रहा हूं कैसे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे बनते होंगे, क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है, आप उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और जो आपको लगता है कि नया है आप नहीं जानते, बस उसको टिक कर लीजिए, पेन लेके बैठिए किताब पे या पेंसिल जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, बस उसको मार्क करते जाइए, और बाद में जब आप रिवीजन करें ना तो सिर्फ वो मार्क वाले को देखिए, ठीक है। और ऐसे ही जब आप दोबारा रिवीजन करें तो जो आपको लगे कि अब ये भूल रहा है जो, उसको डबल मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी बुक को रिवीजन करेंगे तो मुश्किल से बामुश्किल पूरी बुक को रिवाइज करने में 2-3 घंटे लगेंगे, पहली दफा पढ़ने में जरूर आपको हो सकता है 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते लग सकते हैं। लिखेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य, ठीक है, या फिर सीधे लिखिए आयोग के कार्य, यदि आपने हेडिंग डाल दी आयोग के कार्य। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते, मतलब कि आज तो फ्राइडे है, अगले हफ्ते मैं पूरी तरह से पॉलिटी खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं एमपी शुरू कर दूंगा कंप्लीट, ठीक है ना, देने वाला नहीं, एमपी भी है और फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का मैं बता चुका हूँ पहले भी, व्यापम में साइंस एंड एमपी एंड करेंट, ठीक है, जीएस तो सामान्य आपको याद रखिए, ठीक है, यदि व्यापम के एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है आपका साइंस मजबूत होना चाहिए बस, स्पेशली, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मतलब 10 नंबर आप आगे रहेंगे हर किसी से। जैसे मैं देख रहा हूँ जो अभी जेल प्रहरी का एग्जाम हो रहा है, एवरेज प्रश्न पता कितने मार्क्स आ रहे हैं, 65 to 75, ठीक है, किसी के भी पूछ रहा हो कितने ही होंगे, और जबकि मेरिट के लिए आपको कम से कम 80+ चाहिए, क्यों, क्योंकि पिछली बार की मेरिट 78 के आसपास गई थी जर्नल मेल, ठीक है, तो 80 रहेगा तभी होगा, क्योंकि 130 पोस्ट कुछ नहीं, समझ रहे हैं, मतलब जो जर्नल के लिए आती है वो कुछ नहीं है, ना के बराबर है। अब आप समझिए कि मतलब एक जिले में 2 पोस्ट आ रही है, वही यदि आप जिले के टॉप 2 टॉपर्स में हैं एवरेज आप समझ करिए, तो मतलब 80 से ऊपर हो तब आप फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हैं, पोस्ट कैसी भी हो लेकिन मैं तो जा ही गई। आयोग के कार्य में पहला लिखेंगे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, अनुसूचित जनजातियों या फिर एसटी डायरेक्ट लिखिए, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संविधान के अधीन व सरकार के द्वारा बनाए गए, संविधान के अधीन
व सरकार के द्वारा बनाए गए उपबंधों को लागू कराना, संविधान के अधीन व सरकार के द्वारा बनाए गए उपबंधों को लागू कराना एवं उनका मूल्यांकन करना, ठीक है। अब मैं अनुसूचित जनजाति की जगह डायरेक्ट एसटी बोलूंगा, ठीक है। एसटी जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना, एसटी जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला लिखेंगे राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अंडरलाइन कर लेना किसको रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, आयोग राष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है, सामान्य है बस इतना लिखिए। लिखिए अगली हेडिंग आयोग का प्रतिवेदन, आयोग का प्रतिवेदन। अगला लाइन ही मतलब हेडिंग डालिएगा। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, एवं राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को, आयोग अपना राष्ट्रीय वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, आयोग ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के समक्ष, सॉरी राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाएगा, हाँ राष्ट्रपति रखवाता है, ठीक है, वो गलती निकल गया दीवार से। राष्ट्रपति सभी रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाएगा, एवं सिफारिश के स्वीकरण या अस्वीकरण, एवं सिफारिश के स्वीकरण या अस्वीकरण का ज्ञापन, स्वीकरण व अस्वीकरण का ज्ञापन प्राप्त करेगा, सिफारिशों के स्वीकरण या अस्वीकरण का ज्ञापन प्राप्त करेगा। मतलब सीधा सीधा यह है कि यदि आयोग वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत कर रहा है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ये रिपोर्ट सदन के यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करता है, ठीक है, और जो उसमें सिफारिशें की गई हैं, उस रिपोर्ट में यदि कोई सिफारिश की गई है कि आप पार्टिकुलर इस विषय में कि मतलब वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कोई नई योजना की सिफारिश की गई है, तो उसको स्वीकार कर रहा है सदन की नहीं कर रहा है, इसका ज्ञापन भी कौन प्राप्त करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब वो सदन में रखवा दिया जा रहा है और सदन का रिप्लाई बतौर ज्ञापन आएगा, ठीक है, ज्ञापन के रूप में आएगा कि यदि स्वीकार कर रहा है सदन तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक है, क्लियर, ओके। अगला लिखेंगे आयोग की शक्तियां,
आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है जो किसी विषय का अन्वेषण एवं जांच करते समय निम्नानुसार लागू होंगी। पहला लिखेंगे किसी व्यक्ति को समन करने में, समन बुलाने में ठीक है, हाजिर करने में, किसी व्यक्ति को समन करने में लिखेंगे दस्तावेज प्रस्तुत करने में, दूसरा लिखेंगे शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने में अगला और लास्ट लिखेंगे कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे, अवधारित का मतलब यह होता है कि अवधारणा बनाना, रूप बनाना या प्रस्तुत करना किसी भी रूप में, ठीक है। यदि कोई राष्ट्रपति उसको नियम बना रहा है, कोई राष्ट्रपति, तो उस पर भी आयोग कार्य कर सकता है, ठीक है। ये तो उसका सेम है ना, सेम है। लास्ट में लिखेंगे, छोटा सा पैराग्राफ है ये, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगी। ठीक है, ओके। तो मतलब यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी कानून बना रही है किससे संबंधित, उसी जनजातियों संबंधित, तो ये आयोग से परामर्श करेंगी। ओवरऑल इस पे आपको ये याद रखना है कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, आपके अनुच्छेद 338 ए या इसको आप काफी बोलते हैं, ठीक है। इसमें वर्णन है इसका, क्लियर। 89वां संविधान संशोधन याद रखेंगे 2003 है। आयोग कब आविर्भाव में आया, यानी प्राकट्य में आया, कब बना, तो ये है 2004 में है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो 65वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था, 1990 में, ठीक है। तब ये आयोग की कल्पना आई, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग, क्लियर। इस चीज को आपको दिमाग में रखना, ठीक है, क्लियर, ओके। वर्तमान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, पता है,
मुंडा जी नहीं है, राम सर का खेती है, वो तो एससी है। सी ए जी आप लिख चुके हैं क्या? यस सर। कार्य वगैरह लिखा उनका? अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेखावत नहीं दिया। राज्य का महाधिवक्ता लिखा आपने? नहीं लिखा। हेडिंग डालिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या राज्य का महाधिवक्ता, किस अनुच्छेद में है? 165। ठीक है, लिखेंगे राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अच्छा, एक ये जो जनरल शब्द होता है, दो शब्द आते हैं, आपको ध्यान दिए होंगे शायद कभी, GENERAL और एक आता है GERNAL। एक जनरल होता है, एक जनरल होता है, सुना ये सब? मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या बोल रहा हूँ, एडवोकेट जनरल GENERAL, ये जनरल और जनरल में क्या होता है अंतर? जनरल स्टोर हो जाता है और एक ही जनरल होता है। लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 165 में, अंडरलाइन कर लेना इसको, आप यदि पूरे हेडिंग में सिर्फ अनुच्छेद बस ही याद रख सकते हैं हमेशा, तो यह भी बहुत बड़ी चीज होगी। अच्छा, जो सी ए जी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का, ठीक है। लिखेंगे राज्य के महाधिवक्ता में संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 165 में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एडवोकेट जनरल इन द आर्टिकल ऑफ 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, अंडरलाइन कर लेना, या राज्य का सबसे बड़ा वकील भी होता है, ऐसा भी मान लीजिए, वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी के अनुपूरक होता है। मतलब इसका समझ रहे हैं कि जो आपका ये हो गया एडवोकेट जनरल, और जो केंद्र में होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, वो 76 अनुच्छेद होता है, ठीक है। तो इसी के ये पैरेलल है अपना स्टेट में 165 में एडवोकेट जनरल, राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, कानूनविद होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आ चुका है कि राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये राज्य सरकार के बिहाफ में काम करता है, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के तहत, या फिर ये कह लीजिए कि सरकार का वकील राज्य में जो होता है वो ये होता है, ठीक है। लिखेंगे अगली लाइन से, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, एवं उसमें
अंडरलाइन कर लेना, किसके द्वारा नियुक्ति हो रही है? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। एवं उसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, एवं उसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब उच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होती है? भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक कानून अधिकारी या वकील किसी न्यायालय में रहा हो, ठीक है, ये रहता है, क्लियर। लेकिन इसमें ये नहीं रहता कि ये राष्ट्रपति या मतलब राज्यपाल की नजर में अच्छा कानूनविद हो, ये नहीं है। ये सिर्फ किस पे है? केंद्र में, ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय में ये व्यवस्था है, राज्य के लिए ये व्यवस्था नहीं है, क्लियर है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज, किस अनुच्छेद में है उच्च न्यायालय? 214। आपका जो 124 में है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, और जो राज्य में उच्च न्यायालय है वो है आपका 214 में, दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है। लिखेंगे अगली लाइन से, संविधान द्वारा, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इसको, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक टेन्योर, मतलब इनका जो पदावधि है वो फिक्स नहीं है संविधान, ठीक है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है एवं उसे हटाने की प्रक्रिया का भी वर्णन नहीं है, एवं उसे हटाने की प्रक्रिया का भी वर्णन नहीं है, वह अपने पद पर, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, वह अपने पद पर, मतलब संविधान में इसके हटाने की प्रक्रिया का भी वर्णन नहीं है, इसके बाद आप देखेंगे वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। जब सरकार चेंज हो जाती है, हाँ, अगली लाइन लिखिए, सामान्यतः वह त्याग पत्र तब देता है, हाँ, इसी लाइन में लगातार लिख लीजिए, सामान्यतः वह त्याग पत्र तब देता है जब सरकार त्याग पत्र देती है या परिवर्तित होती है। सामान्यतः वह त्याग पत्र तब देता है जब सरकार त्याग पत्र देती है या परिवर्तित होती है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब क्लियर आपका पॉइंट, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बनाएगा कि संचित से देगा ऐसा कुछ, अपने से दे जो भी सम्मानित कर देगा राज्यपाल, उसके पे एंड पास होते हैं वो निर्धारित करता है, ठीक है। मतलब सामान्यतः अब ऐसा देखिए कि जो हर व्यक्ति या हर डिपार्टमेंट में कोई पद यदि बनता है तो कौन निर्धारित करता है? वित्त सरकारी करती है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के सहयोग से राज्य के, तो वो ये सब करता है, ठीक है। तो वही कार्य राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल का मतलब वही है कि उसके नीचे के जो भी अधिकारी होंगे, ठीक है, सबॉर्डिनेट जो भी उसको, लिखेंगे अगली लाइन से, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, स्टार बना लेना जो भी। इसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार है, इसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार है। मतलब ये किसी भी
न्यायालय में जाके पेश हो सकता है, ठीक है, जाके वकालत कर सकता है, सरकार के लिए अपना पक्ष रख सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब सरकार कोई मुकदमा होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपके जो ये रिजर्वेशन वाली पॉलिसी चल रही है ना 27%, 14%, तो सरकार का पक्ष कौन रखता है? यही एडवोकेट जनरल ही जाके सरकार का पक्ष रखते हैं, ठीक है, कि मतलब परिवर्तन तो सरकार ने किया, ठीक है, लेकिन यदि सरकार को हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मतलब बात सब होते हैं शिवराज सिंह ने किया या फिर जो भी भाजपा गवर्नमेंट है जो भी किया, फिर कांग्रेस करके गई, तो उस समय कांग्रेस के टाइम पे जो महाधिवक्ता रहे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे या वर्तमान में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। कल गूगल करके आना कि कौन है वर्तमान में राज्य का महाधिवक्ता, अभी भी वही जरूरी नहीं है सरकार बदली तो हुई, देख लीजिएगा एक बार सारे लोग कंफर्म कर लीजिएगा, लिख लो इसको गूगल कर लेना कल, राज्य का महाधिवक्ता मध्य प्रदेश। आप लोग अभी पेपर देने गए तो करंट कुछ नहीं पड़ गया क्या? ठीक है, लिख लेंगे कार्य और शक्तियां। ठीक है, पहले लिखेंगे वह राज्य का मुख्य कानून अधिकारी होता है, वह राज्य का मुख्य कानून अधिकारी होता है। अच्छा, आप लोग इस लाइब्रेरी कितने लोग जाते हो, कोई जाता है? हर एक लाइब्रेरी में आप ज्यादातर जाएंगे तो सब सीनियर सिटीजन मिलेंगे। सीनियर सिटीजन का मतलब यह है कि ज्यादातर जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, और स्पेशली इंदौर और दिल्ली के जो भी जिन्होंने यूपीएससी पीएससी वाले मतलब तथा कथित सीनियर जो भी है वो आके बैठ गए, ठीक है। नहीं, मोस्टली वही है, मतलब आप जाके जाएंगे तो 50-60% लोग वही है जो दिल्ली और इंदौर से या भोपाल से लौट के आए हैं या फिर जिनकी अब उम्र निकलने वाली है, ठीक है, तो वो अब लाइब्रेरी आते हैं। ये सही भी है क्योंकि वो अब किसी कोचिंग में जाते नहीं है क्योंकि जाना भी सही नहीं है उनका, और दूसरी चीज ये है कि वो अपने आप को पंडित भी समझते हैं। आप वहाँ जो चौराहे पे कॉलेज वाला कॉलेज चौराहे पास है खान वाला, वो चाय वाला, वहाँ पे खड़े हो रहे ज्ञानी एक आध दो मिल जाएंगे, बस आप शांत रहिए और सुनिए। फिर मैं कभी कभी जाता हूँ, मुझे मिल जाते हैं, एक्चुअली वो साथ ही होते हैं अगल बगल के, इधर उधर के, उन्हीं के साथ ही कोई होंगे तो फिर आपको पूरी लूसेंट 10 मिनट बता डालेंगे, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मैं ये मानता हूँ जो बिगिनर्स होते हैं उनको लूसेंट का होना चाहिए, लेकिन यदि कोई यूपीएससी तैयारी कर रहा है वो लूसेंट सजेस्ट कर रहा है तो नहीं समझ आता, प्रॉब्लम यही होती है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, वो लास्ट में जाके फिर लूसेंट पढ़ते हैं, लास्ट में, ऐसी चीज नहीं है लूसेंट के लिए, यूपीएससी के लिए भी लूसेंट वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन रिविजन यदि आपको आपने पूरा पढ़ रखा है, मतलब कि यदि आपने स्पेक्ट्रम कंप्लीट करके रखी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो अब आप लूसेंट से रिवाइज कर लीजिए वो अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपका स्पेक्ट्रम पूरा होना चाहिए। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा यदि किसी के पास होगी तो या फिर इंटरेस्ट होगा तो। जीएस में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब वनडे एग्जाम के लिए तो लूसेंट सही है। लूसेंट वनडे नहीं, वनडे टू डे फाइव डे जो आपका बीएससी सबके लिए जरूरी, आप 3 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन सीधे टीक सकते हैं। इंग्लिश वाली उठा के देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट उससे आते हैं, 3 नंबर का मतलब समझ रहे हैं। यदि मान लीजिए मुझे बोल दिया जाए कि मुर्शिद कुली खां के बारे में बताइए, आपको 3 नंबर लिखना है, तो वो उसमें सफिशियंट दिया हुआ है, ठीक है, कि मुर्शिद कुली कौन था, कि मतलब उसने राजधानी परिवर्तन किया ढाका से मुर्शिदाबाद जो भी किया, ठीक है, सिराजुद्दौला के पहले था, मतलब सिराजुद्दौला उसका क्या था, ससुर लगता था वो सिराजुद्दौला, ऐसा समझिए, ठीक है, ग्रैंडफादर टाइप का, तो इस तरह था, तो इसलिए याद रखिए, मतलब वन डे के लिए तो बहुत सही है वो। इंग्लिश वाली ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू हिंदी वाली, हिंदी वाली बहुत अच्छी है, लोगों की तैयारी 5-5 साल पढ़ते भी जाते हैं उसी बुक को पढ़ते पढ़ते और तब भी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। आप लिख रहे थे राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है, लिख लिया है, इस नाते इसके कार्य निम्नानुसार हैं,
इस नाते इसके कार्य निम्नानुसार हैं। पहला लिखेंगे, राज्य सरकार को कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना। राज्य सरकार को कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। ठीक है, यहीं पर राज्य सरकार को विधि संबंधी या कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना, मतलब राज्य सरकार को ऐसे विषयों पर यह सलाह दे रही है जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। तो यह सलाह कौन देता है? कानूनी सलाह राज्य का महाधिवक्ता। राज्य सरकार को ऐसे कानून, राज्य सरकार को कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। यदि मान लीजिए राज्य सरकार को कोई भी कानूनी संबंधी चीजें निर्देश आते हैं, ठीक है, कि आपको ये काम करवाना है, तो राज्य सरकार किससे सलाह लेगी? वकील। और राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन है? महाधिवक्ता। बस दूसरा लिखेंगे, कानून के ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए। कानून के ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। ठीक है, अगले लिखेंगे, वह विधानमंडल के दोनों सदनों, वह विधानमंडल के, यदि दोनों सदन है किसी राज्य में तब की बात हो रही है, एक है तब भी, वह विधानमंडल के दोनों सदनों में बिना मताधिकार बोल और भाग ले सकता है। बिना मताधिकार बोल और भाग ले सकता है। वह विधानमंडल के दोनों सदनों में बिना मताधिकार बोल और भाग ले सकता है। उसे सभी विशेषाधिकार व भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। उसे वे सभी विशेषाधिकार व भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह आपने वहां देखा था कि जो आपका महान्यायवादी है वो दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है, बट ही कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं दे सकता, अपना मत नहीं दे सकता, बट बोल सकता है किसी भी सदन में। द सेम इज हियर, ठीक है, सेम यही कर सकता है वो। विधानमंडल है, आपकी विधानसभा होती है, वहां बैठ सकता है, वोट दे सकता है, सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, तो वेतन से राज्यपाल जो आप बता रहे हैं, तो वेतन से इसके अनुसार होगा ना, इसके विधानमंडल के सदस्यों के अनुसार उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा। इसके अंदर योग्यताएं किसकी है? हाई कोर्ट के जज के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार हाई कोर्ट के जज के हिसाब से उसके वेतन एवं भत्ते होंगे, विधानमंडल के सदस्यों के हिसाब से नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो विधायक है। क्लियर, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट इस पर अनुच्छेद लिख लीजिएगा। तो सबको पता है, ठीक है, अनुच्छेद 194 लिख लीजिए, अनुच्छेद 194, महाधिवक्ता की शक्तियां विशेषाधिकार, अनुच्छेद 194 लिख सुन लेते हो आप लोग, फिर भी अगर बगल देखते रहते। अनुच्छेद 194, महाधिवक्ता की शक्तियां एवं विशेषाधिकार। अच्छा,
अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको कौन से अनुच्छेद पता है कौन से नहीं पता, ठीक है? महान्यायवादी तो सबको पता होगा ना, सबको पता है मतलब ईच एंड एवरी पर्सन, सबको पता है आप लोगों को, इधर नहीं पता नहीं कौन है आज इस बैच में बैठे आप बस है ना, आपको सर पहले थी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में एक आध बार मैं बोला तो लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता है, महान्यायवादी जो देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, ठीक है, वो अनुच्छेद 76, ठीक है, और जो राज्य में होता है वो 165 में, उसको वहां महान्यायवादी बोलते हैं, राज्य में उसको महाधिवक्ता बोलते हैं, ठीक है, 76, ठीक है। दूसरा है सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, अनुच्छेद 148, ठीक है। राज्य का वित्त आयोग, राज्य का 117, बहुत बढ़िया, राज्य का वित्त आयोग बोल रहा हूँ, राज्य का, केंद्र का नहीं, मैं बताया हूँ लिखिए, अब अनुच्छेद 243 आई, आई आई मतलब इंपोर्ट वाला आई, मतलब 243 का एक सब क्लॉज है, 243 आई इंपॉर्टेंट है, रख लेना जो भी आपका लाल नीली पीली की होगी सब उस पे। 243 आई राज्य वित्त आयोग, ठीक है, और केंद्र का फाइनेंस कमीशन कितने में है, 280, ठीक है, तो लिखना हो तो लिख लीजिए, वित्त आयोग जो है वो सिर्फ 280 में है और राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में, पॉइंट क्लियर रखिएगा। राज्य का निर्वाचन आयोग 324, राज्य का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग आपका 324 में है, ठीक है, लिखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग 243 के, राज्य का निर्वाचन आयोग 243 के, ठीक है, और सिर्फ निर्वाचन आयोग यदि आता है तो वो है 324 में। मैंने बोला था आपका कि 324 से आप 243 निकाल सकते कि नहीं, 324 से 243 तो याद ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है कि 243 के। अंतरराज्यीय परिषद, हाँ ये लिखा चुका हूं ना मैं, 264 में मैं लिखाया हूं, इसमें मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री मुखिया होता है, इसका लिखा है आपने, देखिए एक बार अनुच्छेद तो लिखी लो, अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं इसको, अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद कई बार परीक्षाओं में आया है, 263, 262, 266, 267 ये सारे अनुच्छेद याद है। 262 में क्या है, अंतरराज्यीय नदियां सीमा है, नदियों के लिए यदि कोई विवाद हो रहा है दो राज्यों या केंद्र या राज्यों के बीच में तो उसके लिए जो आयोग बनता है वो 262 में अनुच्छेद है, ठीक है। 266 में आपका संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड है, 267 में आपका आकस्मिक निधि है, कंटिंजेंसी फंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, आकस्मिक निधि यानी कि इमरजेंसी में जो निधि उपयोग की जाती है यानी पैसा, ठीक है, लिख लिए 263। अगला लिखेंगे अनुच्छेद 307 अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग, अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग, अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग, ठीक है। वाणिज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमर्स ही बोलते हैं, ठीक है, कोई कॉमर्स वाला है और तुम्हें उस पे भी कंफ्यूजन है, कहीं आता ही नहीं है ना, कॉमर्स तुम्हारा स्ट्रीम है और तुम्हें कंफ्यूजन है, आता ही नहीं है किसी में, तो क्या करें, मीडियम बोल रहा
हिंदी था, उसके बाद में तुम्हें वाणिज्य शब्द नहीं पढ़ा कभी? वाणिज्य पढ़े हैं वो जर्नलिस्ट। अब मैं तो वाली मेरी गणित बोल दूं तो वो लोग कंफ्यूज हैं। अरे बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब बायोलॉजी वाले बोलेंगे जीव विज्ञान कंफ्यूज है। ठीक है तो देखिए 307 में आप लिखिए, 315 तो पता होगा आपको, यूपीएससी और एपीएससी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ये रखिएगा, आपको जो अनुच्छेद 312 है आपका, वो आपका अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज है 312 में। लेकिन यदि यूपीएससी आ रहा है और स्टेट पीएससी का उल्लेख है तो वो अनुच्छेद 315 में। क्लियर है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। 320 में यूपीएससी के कार्य, हाँ 338 मैंने बताया आपको अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग, 340 लिखिए अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग बैकवर्ड कमीशन, अनुच्छेद 340 340 पिछड़ा वर्ग आयोग बैकवर्ड कमीशन ओबीसी वाला जो होता है, ठीक है। एक और लिख लीजिए, इसको तो अंडरलाइन कर ही लेना और रट लेना क्योंकि ये मैं दोबारा अभी साथ पहली बार बता रहा हूं। 344 अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग, परीक्षाओं में कई बार आया अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग 344, ठीक है। क्लियर, ओके अब हेडिंग डालेंगे गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक निकाय या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है पहले आप ये लिख लीजिए बस सीरियस। पहला लिखेंगे प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग ऑब्लिक करके लिख लेंगे नीति आयोग। पहला लिखेंगे गैर संवैधानिक निकाय में योजना आयोग ऑब्लिक कर लेंगे तो वर्तमान में है हम नीति आयोग, ठीक है नीति बन जाएगा लिखते ना, बड़ी नहीं है छोटी कि बड़ी थी छोटी नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म पता है कितनों को? नहीं पता ये बता, सबको पता है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दैट इज नीति आयोग, ठीक है हिंदी प्रीति को पता है। ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कई बार आया परीक्षाओं में, याद रखिएगा ठीक है ना। किसी भी चीज का यदि आपको शॉर्ट पता चले ना तो अपने आप क्यूरियोसिटी जगाइए, उसका फुल फॉर्म जरूर पता कीजिए, ठीक है। हो गया, हो सकता है कि एक आध बार लोग आपको कहें कि ना पता हो, लेकिन मोस्टली मैं देखता हूँ कि जो आपका शॉर्ट नेम होता है ना उसका फुल फॉर्म 50% लोगों को नहीं पता होता, यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो आपने पहला लिखा योजना आयोग या नीति आयोग, दूसरा लिखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा लिख, तीसरा लिखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दूसरा आपने लिखा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तीसरा लिखना है आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको आप बोलते हैं। कब गठित हुआ था ये? 10 दिसंबर 1993 बताया हो ना। चौथा लिखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग,
राज्य मानवाधिकार आयोग, अगला लिखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, इसको सीआईसी भी ज्यादातर यूज करते हैं अपन, जो आपका सूचना अधिकार एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, सूचना अधिकार अधिनियम पता है ना, जिसे जानकारी आप किसी भी कार्यालय में जाके मांगते रहते हो, कोई गया है कभी, नहीं पता, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, जिसके तहत आप किसी भी सरकारी विभाग में सिर्फ 10 रुपए का स्टाम्प लगा के अप्लीकेशन दे के जानकारी मांग सकते हैं कोई भी, ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे आते हैं कि क्या है, बगल में ही हमारी ऑफिस के बगल में है, तो जितने मतलब पुलिस वालों को सबका परमानेंट एड्रेस पूछते हैं, किसने कितनी संपत्ति अर्जित की उसका पूछते हैं, ठीक है, किसके कितने लड़के बच्चे हैं पूरी वंशावली पूछते हैं, ऐसे ऐसे मतलब महत्वपूर्ण के सूचना आयोग आते हैं, मतलब आरटीआई आते हैं, हालांकि पर्सनल जो जनहित के कार्य नहीं है उनको मना कर सकते हैं सामान्यतः और मना भी कर देते हैं, पर कुछ चीजों का हर चीज का उपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है, ठीक है, तो किसी का परमानेंट एड्रेस पूछने का क्या मतलब, ठीक है, पर पूछते हैं, हमारे रीवा में ही वकील हैं महान लोग। अगला लिखेंगे राज्य सूचना आयोग, आपने केंद्रीय सूचना आयोग लिखा, उसके बाद अगला लिख रहे हैं आप राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, विजिलेंस की स्पेलिंग VIGILANCE है, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग याद रखिएगा CVC, क्योंकि ये ज्यादातर जांच करती रहती है, इसलिए केंद्र में यदि आप न्यूज पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा या फिर अक्सर। अगला लिखेंगे CBI या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ब्यूरो की स्पेलिंग तो सबको पता होगी, हाँ? ब्यूरो की स्पेलिंग बताओ, किसको पता ही होता, तो चलो बताओ, हाँ मेरा भी भूल जाएगा, सही है ये, और किसको पता है, यार देखो नाक मत कटवाओ, ठीक है, अगला लिखिए लोकपाल एवं लोकायुक्त, क्या होगा सर, किसी को नहीं पता, चलो बता दो मेरी तरफ से 5 रुपए, कौन देगा एक मीनिंग का, पहले पप्पा लोग मुझे ध्यान है कि एक बुकलेट दिए थे मेरे पप्पा, उसको डेली बोलते थे यदि 10 मीनिंग सुनाओगे तो 1 रुपए मिलेंगे, ठीक है, तो मैं महंगाई के हिसाब से एक मीनिंग का आपको 5 रुपए दे रहा हूँ, अच्छा तुम्हें भी नहीं पता, लोकपाल एवं लोकायुक्त लिख लिया, तो ये सारे हैं गैर संवैधानिक निकाय, लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल अभी अपने यहाँ नहीं बनाए गए हैं, लोकायुक्त मतलब आ गए हर जगह, ठीक है, लोकपाल अभी केंद्र द्वारा किया गया है नियुक्ति पिछले वर्ष ही शायद, ब्यूरो की स्पेलिंग होती है BURE AU, मेरी सही थी पर मैंने बोला नहीं था, वाह ठीक है BURE AU, ठीक है याद रखिएगा आगे के लिए,
इसका मतलब ये है कि आप लोग इंग्लिश पढ़ते बिल्कुल नहीं है ना। क्या हुआ? तो ये जो मैंने बताई गलत है, बी यू आर ई ए यू में बोल रहा हूँ। इंग्लिश के लिए तो मैं 100% श्योर रहता हूँ, लेकिन किताब से लड़ने के लिए और भी लगातार बताई दो। उसे बताया नहीं है ना, बोल दे रही तू बिल्कुल मिलता। एक हाँ, UIDAI आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, आधार कार्ड। इसका बताओ, ये परीक्षा में आ चुका है, दो तीन बार आया है, व्यापम में ही आया है। यूनिक ठीक है, UIDAI ये आधार का मतलब कि जो आधार जारी करने वाली संस्था है ना उसका नाम है ठीक है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है, याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार आया। और ये जो ब्यूरो बता रहे हो ना, ब्यूरो इंग्लिश में कई बार जो आपका स्पेलिंग एरर आता है ना वो कई बार आया जी ठीक है। कमीशन की स्पेलिंग सबसे ज्यादा आई ठीक है, आप कमेटी की क्लियर, आप सामान्यता यदि नहीं है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप गलत करके आते हैं। कमीशन की तो पता होगी सबको क्या होती है, कमीशन होता सीओ डबल एम आई डबल एस आई ओ, कमेटी की सीओ डबल एम आई डबल टी ई, सीओ डबल एम आई डबल टी डबल ई कमेटी ठीक है। ये कई बार परीक्षाओं में आया है आपके इंग्लिश में एरर के लिए, ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्दों को तो कम से कम छांट ही लो आप लोग ठीक है। जैसे आपका ये होता है, ये सब में परीक्षाओं में कई बार आया है, मैंने देखा है। एक होता है ये डिसाइड, डिसाइड कई बार आपने देखा होगा, मतलब प्रिंसिपल का भी तो आता है, प्रिंसिपल का तो आता है, प्रिंसिपल का आता है, PRINCIPAL होता है, PRINCIPAL वाला आता है, अलग आता है ठीक है। ये डिसाइड का पहले डिसाइड का क्या मतलब होता है, क्या होता है वो थोड़ा डिसाइड्स होता है छोड़कर, अच्छा साइड्स और बताओ सर, देखिए सीधी सीधी बात है, इंग्लिश रटना छोड़ दो। ही इज सिटिंग बिसाइड मी ठीक है, वो मेरे बगल में बैठा है, या फिर सी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी है क्लियर। और बिसाइड्स एवरीवन एक्सेप्ट यस एवरीवन हैज केम हियर बिसाइड्स यू, सबको यहाँ पे आए तुम्हारे अलावा ठीक है। तो यहाँ पे ये तो besides यानी ये असल है ना, इसी पे अलग तो सिटिंग मतलब कि besides you यानी तुम्हारे अलावा, और beside का मतलब होता है बगल में बैठा, she is sitting beside me ठीक है, इनको याद रखिए ठीक है। बिजनेस की स्पेलिंग बताओ, बी यू एक बी यू एस आई एन ई डबल एस होता है, और एक बी यू डबल एस आई एन ई डबल एस होता है, इसका क्या मतलब होता है। चलो ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाना नहीं करूंगा, लिखो अपन थे पहला लिखेंगे, मैं नीति आयोग के बारे में बताऊंगा, योजना आयोग के बारे में नहीं बताऊंगा, इसको याद रखिएगा। इसलिए मैं आज योजना आयोग छोड़ रहा हूँ, अगले दिन से आपको योजना आयोग बताऊंगा, अभी आप लिखिए वर्तमान में सिर्फ एक राष्ट्रीय विकास परिषद, ये मैं बता गया हूँ क्या सर, बता दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद, वो अंतर्राष्ट्रीय परिषद मैंने नहीं बताया सर, राष्ट्रीय विकास हाँ ठीक है। आप पहला लिखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बस नीति आयोग में अगले दिन बताऊंगा ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, पहला लिखेंगे आयोग की स्थापना,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक ना कि संवैधानिक, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, कोष्ठक में लिख लेंगे संवैधानिक नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये मैंने सांविधिक लिखा है, ऐसे लिखना, सांविधिक निकाय है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेगा संवैधानिक नहीं, ठीक है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आपने क्या लिखा, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था। ठीक है, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 याद रखिएगा, एग्जैक्ट इसकी डेट देख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, मिल जाएगा। ये मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन जब संसद से पारित हुआ था ये शायद 29 सितंबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, 29 सितंबर 1993 याद रखिएगा, इसीलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लिखेंगे अगली लाइन से, यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, ठीक है, यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। ठीक है, अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते, ठीक है, मतलब इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती कहीं पे समय का। सर, जहाँ पे मानव के अधिकार का प्रयोग हो उसे ही लेबल आ रहा है। हाँ, मानवाधिकार के पूरी लिस्ट है, लगभग 30 के आसपास मानवाधिकार है, मतलब सारे कुछ आते हैं, आपका घूमना भागना जो मूल अधिकार है, ठीक है, उनको तो आप जोड़ ही लीजिए, साथ में आपको पढ़ना लिखना भागना, अपने पसंद का विवाह करना, अपने पसंद की संपत्ति अर्जित करना, ठीक है, अपने पसंद की संस्था में पढ़ना, ये सारे संस्थाओं में आते हैं, आपको अच्छा पानी पीना, अच्छी जगह पे रहना, ठीक है, ये सब मानवाधिकारों में आते हैं, क्लियर, सारे कुछ मानवाधिकारों में आते हैं, 30 है ये, ज्यादातर जो देशों के मूल अधिकार है ये मानवाधिकारों से ही प्रेरित है, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स पहले माना जाता है इंग्लैंड में 1215 में आया था, ठीक है, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं अधिकारों का। तो सारे देश में यानी कि पूरे विश्व में जहां भी मूल अधिकार जैसी चीजें हैं या बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, वेरियस नेम से है ये, कई नेमों से, तो ये जो भी है प्रेरित है, ये सब मानवाधिकार से ही प्रेरित है, ठीक है। हालांकि सिर्फ ये इसको क्या बोल सकते हो कि वर्तमान में इसका एक टूथलेस टाइप का, ठीक है, टूथलेस टाइगर बोलते हैं इसको,
ये है तो बहुत डरावनी संस्था जैसी, लेकिन चूसने से इसको सजा देने का अधिकार नहीं, इसलिए इसको कोई डरता वरता नहीं है इससे। सीधी बात है, सरकार को रिकमेंडेशन भेजते हैं ये, सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई मान्यता नहीं होती, सरकार अपने हिसाब से करती है, ठीक है। तो नाम के लिए डराने के लिए अच्छा होता है, अधिकारियों की पेशी करवा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई इतना भी बड़ा कलेक्टर एसपी कोई भी हो, इनकी पेशी करवा सकता है, ये अपने पास बुला सकता है, ठीक है, नोटिस दे सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है, इनकी गलती आई कि इनको सजा दी जाए कुछ भी, बट ही कैन नॉट पनिश इन इटसेल्फ, खुद नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए इसको टूथलेस टाइगर टाइप बोलते हैं। क्लियर, इसकी जो भी चीजें हैं मैं कल डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। देखेंगे पहला, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, दूसरा लिखेंगे न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधित, न्यायालय में लंबित मानवाधिकार से संबंधित, न्यायालय में लंबित मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, न्यायालय में लंबित मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। जेलों व बंदी गृहों में जाकर, अगला, जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, जेलों वह बंदी ग्रहों, कारागार जिसको आप बोलते हैं, बंदी ग्रहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना व सिफारिशें करना। अगला लिखेंगे मानवाधिकार रक्षा हेतु, मानवाधिकार रक्षा हेतु संवैधानिक व विधिक उपबंधों, संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना, संवैधानिक व विधिक, विधिक यानी कानून, विधिक उपबंधों की समीक्षा करना। और डेरी डेट क्यों हो जाती है, समय सही 10 मिनट, हस्बैंड को 10 मिनट पहले जगाइए, वही आते हैं छोड़ने, उनको 10 मिनट पहले जगाइए। लिखेंगे अगला, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे इनका उल्लंघन होता है, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा, समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है या इनका उल्लंघन होता है, सही समीक्षा, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है,
तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना। ठीक है, अगला लिखेंगे मानवाधिकार क्षेत्र में शोध। मानवाधिकार क्षेत्र में शोध रिसर्च इसको आप बोलते हैं। मानवाधिकार क्षेत्र में शोध करना तथा इसे प्रोत्साहित करना। मानवाधिकार क्षेत्र में शोध करना तथा इसे प्रोत्साहित करना। मानवाधिकार अगला लिखेंगे मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना। गैर सरकारी संगठन समझते हैं आप लोग, एनजीओ। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना। ठीक है, ओके, लिखेंगे नीचे थोड़ा, मतलब अगला हेडिंग डाल के लिखेंगे सामान्यतः दो लाइन लिखना है आपको। राष्ट्रपति मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दुराचरण व अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकता है। तो कौन हटा रहा पद से? राष्ट्रपति। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो मानवाधिकार आयोग है वो एक वर्ष के अंदर ही की गई शिकायत पे कार्यवाही कर सकता है या जांच बैठा सकता है। इसका मतलब समझते हैं कि मान लीजिए कहीं पे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, और उस घटना को यदि एक साल के अंदर यदि कोई शिकायत करता है या कोई चीजें हुई है तो उस संबंध में आयोग सिर्फ एक साल के अंदर की घटनाओं पर ही कार्यवाही कर सकता है, सुनवाई कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एक वर्ष के बाद की घटनाओं में नहीं कर सकता। हालांकि इसको बढ़ाने की सिफारिशें की गई हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। ठीक है,
इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो मानवाधिकार आयोग है वो एक वर्ष के अंदर वो घटित घटनाओं की ही जांच कर सकता है, ठीक है, क्लियर। इसको याद रखिएगा या लिखना हो तो लिख लीजिए। अच्छा, किस प्रकार के कार्यकर्ता, थोड़ा सा लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा। लिखेंगे आयोग का कार्य प्रदर्शन, आयोग का कार्य प्रदर्शन, ठीक है। पहला लिखेंगे बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, मतलब ये आयोग के प्रयासों से ही ये नए बिल या कानून आए। पहला लिखेंगे बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, मतलब मानवाधिकार आयोग के प्रयासों से ही इस प्रकार के अधिनियम या बिल संसद में लाए गए हैं, या संस्थाओं का विकास किया गया है, या इस प्रकार के मामले प्रकाश में लाए गए हैं, ठीक है। तो बंधुआ मजदूर क्या समझते हैं आप, क्या होता है जो लोकल भाषा में समझिए, सीधी बात, आपके घर में जो हरवाह काम करते थे, पहले करते थे, समझता है, यदि कोई भी घर की स्थिति किसी के ठीक ठाक रही होगी, तो उनके घर में एक दो लोग ऐसे फ्री में खाते पड़े रहते थे और काम करते थे, ठीक है। वो पीढ़ियों से काम करते, उनके दादा ने काम किया, उनके पापा ने काम किया, बच्चे कर रहे हैं, इस तरह चीजें उनकी चलती रही, ठीक है, आज भी चलती हैं। लेकिन आज ये है कि यदि सामने वाले की इच्छा नहीं है तो नहीं करता, ठीक है। लेकिन पहले कंपल्सन थी, मजबूरी थी उनकी कि करना ही है, ठीक है, वो जा नहीं सकते थे। यदि वो दूसरी जगह पे जाते थे कार्य के लिए, तो मतलब दूसरे व्यक्ति के पास तो उसको रोजगार नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो वहां सिर्फ उनकी आजीविका चलती थी कि सामने वाला उनकी फैमिली के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले लेता, ठीक है। दूसरा लिखेंगे बाल श्रम की समाप्ति, बाल श्रम की समाप्ति, महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार, अगला लाइन देखिए, महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार, ठीक है, जो ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है, वो है। अगला लिखेंगे यौन पर्यटन एवं अवैध व्यापार के रोक के लिए कार्यक्रम, यौन पर्यटन, यौन पर्यटन व अवैध व्यापार के रोक के लिए कार्यक्रम, यौन पर्यटन व अवैध व्यापार के रोक के लिए कार्यक्रम, बस। हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत, हाथ से मैला, देखो बताता हूं, हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, घुमंतु जनजातियों की समस्या पर विचार, घुमंतु जनजातियों की समस्या पर विचार, जेल व बंदी गृह की, जेल व बंदी गृह की स्थिति में सुधार, जेल व बंदी गृह की स्थिति में सुधार। अगला लिखेंगे साक्षरता व जागरूकता को बढ़ावा देना, साक्षरता व जागरूकता को बढ़ावा देना, अभी शायद पिछले वर्ष से इसके पहले जो एशिया का नोबेल कहलाता, क्या कहलाता है, कोल
रेमंड मैक्स बिजवाड़ा विल्सन को मिला था, ध्यान है किसी को? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। एक्चुअली क्या है कि आज भी राजस्थान और हरियाणा में क्या होता है कि हाथ से मैला साफ करने की व्यवस्था, सीधी सीधी बात ये समझिए कि आपके यहाँ क्या होता है, जो टॉयलेट बनता है उसके लिए आप टैंक बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। शहरों में क्या व्यवस्था होती है कि हर जगह हर मतलब हर कोई टॉयलेट के टैंक नहीं बनवाता है, ठीक है, या उसका ओवरफ्लो होता है। गाँवों में तो आपके पास व्यवस्था होती है कि पीछे नदी नाले कुछ भी है, या फिर इतना बड़ा टैंक होता है कि इतना जल्दी फिलअप ही नहीं होता, ठीक है। शहरों में ये नहीं होता है, उसका जो ओवरफ्लो होता है वो अक्सर नालियों में फेंक दिया जाता है, मतलब नालियों में लगा दिया जाता है। जो आपके शहरों की नालियाँ हैं वो इसीलिए आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ मतलब कि नालियों में गंदे पानी से निकलते हैं, गाड़ी वाहन चपकते हैं, कुछ भी चलता रहता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि नालियों में सिर्फ आपका ये पानी नहीं जा रहा कि नहाने और धोने का पानी जा रहा है कि बस कपड़ा धोया नहाया हो, ठीक है। यहाँ जो सीवर होता है, सीवर लाइन जो भी जिसके लिए पूरी रीवा में खोदे थे इधर से उधर तक, रेलवे स्टेशन से पूरा ये जूनावटा तक, वो सीवर लाइन बन रही है गैस पाइप लाइन के लिए। तो सीवर लाइन वही कहलाती है जिस पर पूरा नाला और सड़ा पानी होता है, ठीक है। तो हरियाणा में आज भी और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जहाँ सवर्ण वर्ग मतलब कि जो जाट वर्ग है वो अपने आप को ज़्यादा सवर्ण मानता है, तो जो निम्न वर्ग की आदिवासी जातियाँ हैं या फिर निम्न जातियाँ हैं उनसे वो सीवर साफ कराया जाता है, या फिर जो बोलते हैं ना कि ओपन टॉयलेट जो चलते हैं, ठीक है, मतलब कि विदाउट टैंक, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अरे नाली भी नहीं होता है, विदाउट टैंक होता है, मतलब यदि कोई मान लीजिए कि टॉयलेट गया है वो वहीं पे मतलब कि टैंक वैंक नहीं होता, वो डब्बा में रखा है कुछ भी रखा है और उसको निम्न जातियाँ जो थी वो बाहर ले जाकर फेंकती थी। आज भी यही कोई नई चीज़ नहीं है, सुनने में देखने में घृणित लगता है लेकिन ये आज भी है। तो सोचिए उनको कितना मतलब किस तरह की स्थिति होगी, वो हाथ से मैला साफ करने वाली चीज़ें, ठीक है। बिजवाड़ा विल्सन ने इसी क्षेत्र में काम किया था इसीलिए उनको रेमंड मैक्स ऐसे मिला था अपनी जनजातियों के मतलब अपनी जाति के लोगों के उत्थान के लिए, ठीक है। एक शब्द इसमें आया है यौन पर्यटन। यौन पर्यटन का मतलब यह है कि आप लोगों ने ये एक धर्म सिंगापुर के साथ एक कौन सी देश है जहाँ लोग घूमने जाते हैं ज्यादा, स्विट्जरलैंड, अरे सिंगापुर बोल रहा हूँ ईस्ट साइड, अरे यार दिमाग से निकल रहा है, सिंगापुर के पास थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड वगैरह में ज़्यादातर यौन पर्यटन के लिए जाते हैं, मतलब कि और ज़्यादातर फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश माना जाता है। तो उस पर यह कहा जाता है कि सामान्यतः मतलब कि जो यहाँ के जो रिच वर्ग है, ठीक है, तो वहाँ इस चीज़ के लिए पर्यटन के लिए कि मतलब अच्छी लड़कियाँ मिलती हैं, अच्छी शराब मिलती है, इसलिए वो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के पर्यटन को मतलब इसको देख करके, सिर्फ महिलाओं को देख करके लोग दूसरे देश के लोग वहाँ के अट्रैक्ट होके आते हैं, ठीक है, तो वो यौन पर्यटन कहलाता है, ठीक है। मतलब वहाँ होटल में ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ अवैध मानी जाती है वहाँ लीगलाइज रहती है तथा कहते हैं, तो वो यौन पर्यटन में आता है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी रोकने के लिए भारत में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है ना, ना लीगली ना ही किसी भी तरह के। तो इस चीज़ के लिए जो मानवाधिकार क्षेत्र आयोग ने काम किया है और कर भी रहा है, इसीलिए सामान्यतः ये संस्था बहुत आपको वीक दिखती है। लेकिन जो आपका जेलों में आपके यहाँ भारतीय जेलों में क्या लगता है आपको, यहाँ की स्थिति अब सही हो रही, अब सही हो रही है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक दिन एक पिक्चर आई थी, फोटो आई थी क्लिप कि शायद स्विट्जरलैंड था या कौन सा देश था वहाँ की जेल की एक फोटो आई थी, उसको लोगों ने ट्विटर पे खूब उसको वायरल किया था क्योंकि वो यहाँ के 5-स्टार होटल जैसी थी, ठीक है। शायद देखा होगा किसी ने इन शॉर्ट्स में वो क्लिप भी आया था, 5-स्टार जैसे होटल होते ना वहाँ की जेल थी वो, तो वहाँ पे वो वायरल इसलिए हो रहा था कि कई लोग बोल रहे थे कि हम तो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ की और यहाँ के जेलों की स्थिति आप देखेंगे, यहाँ ना नहाने की सही व्यवस्था है, ठीक है, मतलब यहाँ के जो कैदी होते हैं खुले में नहाते हैं, टॉयलेट के लिए लाइन लगानी पड़ती है, क्लियर। लेकिन फॉरेन और जो अच्छी जेलें हैं आज भी ऐसा नहीं, भारत में और भी हैं, वहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे जैसे आपका सेपरेट बाथरूम या फिर अटैच ये सारी व्यवस्था होती है, ठीक है। तो वो आप पूरी व्यवस्था रखी, ये मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था होती है, हर वक्त जेल वगैरह जो है उनकी औचक निरीक्षण करते हैं इस आयोग के सदस्य या फिर जो भी कमेटी होती है, ठीक है। तो जेल सबसे बड़ी चीज़ है, भले ही आपको सजा दी जा रही लेकिन वो मानवोचित सजा होनी चाहिए, ठीक है, जानवरों वाली नहीं।
खाना भी तो नहीं देते, बहुत कम देते हैं। नहीं, खाना वाना पर्याप्त मिलता है, लेकिन खाने की क्वालिटी में कम्प्रोमाइज होता है। खाना ऐसा नहीं है कि आपको चावल कम देंगे कि रोटी कम देंगे, देंगे पर्याप्त, लेकिन क्वालिटी, क्वालिटी मतलब समझ रहे हैं आप कि आपको सब्जी दे दी गई है, अब सब्जी में यदि सिर्फ लगा के थोड़ा सा यदि छौंक लगा के दे दिया गया है तेल का या जीरे का, कोई मसाला नहीं, मतलब आपको दे दिया गया खा लो तो खा लो। दाल दे दी गई है, पकी है कि नहीं पकी है इसकी कोई गारंटी नहीं। आप रीवा के पानी में दाल पकाते हैं तो बाहर का पानी लाते हैं, मीठा सोडा लाते हैं, मीठा पानी यूज करते हैं, वहाँ पका दी गई पकी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, सिर्फ इतना नहीं होता है। आपके कपड़े नहीं धोए जाएंगे, आपकी बेडशीट नहीं चेंज की जाएगी, ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है। ठीक है, ये जेल की स्थिति में आता है। नहीं तो रूल ये होता है कि डेली बेडशीट चेंज हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तीन तीन चार चार दिन इवन एक एक हफ्ते बेडशीट नहीं चेंज होती। ठीक है, तो चीजें जितनी अच्छी दिखती हैं उतनी अच्छी होती नहीं, इसलिए इस संस्था का महत्व है। क्लियर, जो आपके चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह या कोई भी चीज़ें आपके यहाँ पर या फिर हमारे घर में बच्चे सेफ होते हैं सामान्यतः, लेकिन जो घुमंतू जनजाति होती है या फिर जिस शहर में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखिए बंगाल में ट्रैफिकिंग, देखिए बंगाल में गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होती है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ का तो मैं फिर भी पढ़ा लिखा है और यहाँ सुरक्षित है, मतलब हर जगह चौराहे पे कैमरे लगे हैं, रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं, पुलिस फिर भी एक्टिव है। हम मानते हैं कि नहीं है एक्टिव, लेकिन बहुत फिर भी एक्टिव, वहाँ सामान्य चीज है। ठीक है, अब आप सोचिए कि यदि 3 साल की बच्ची को उठा के ले जाएगा कोई, तो क्या वो अपना पता बता पाएगी? नहीं बता पाएगी, उसको सिर्फ 6 महीने रखा जाएगा इधर उधर, उसके बाद गायब, फिर वो अपने घर वापस भी नहीं आ सकती, नहीं बता पाएगी। 5 साल से कम के बच्चे शायद ही अपना पता किसी को स्पष्ट बता पाए, पापा का नाम बता देंगे, मम्मी का नाम बता देंगे, गांव का नाम बता देंगे, लेकिन आपके एरिया का नाम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए जो माइनर चाइल्ड होते हैं, इनकी ट्रैकिंग वगैरह होती है, इसमें इस संस्था का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, इसके अलावा आपके जैसे जो पुलिस वगैरह के काम में, जेल वगैरह की जो भी चीज़ें, मतलब आपके ऊपर कोई भी मान लीजिए फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, अक्सर होता है ऐसा। ठीक है, अक्सर होता है, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा फंडा जो मैंने देखा भी। मेरे पास एक केस आया था डहोरा का, सी एफ हेल्पलाइन में। ठीक है, उसमें एक बंदा पढ़ने लिखने वाले दौर में तैयारी कर रहा था। क्लियर, उसने अपनी एजुकेशन के लिए लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया था, ICICI बैंक में। ठीक है, उसका क्या हुआ कि लोन अप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए कि बोले कि मैं आपको लोन नहीं दूंगा, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट वहीं पर रह गए। होता है ना समझते, यदि हम लोन वगैरह ले जाए तो अपना आधार पैन तो सब कुछ चपका देते, ले भाई आधार कार्ड फोटो कॉपी दे दिए। ठीक है, और वो उसके बाद उसका लोन रिजेक्ट हो गया, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, पढ़ाई करके वो इंदौर मतलब तैयारी कर रहा था MBBS की। ठीक है, अब उसके पास मतलब जब इंदौर में था तो उसके घर में वारंट जाता है, गिरफ्तारी वारंट उसका, अचानक से शौक सा, कैसे इंदौर में रह रहा बंदा कुछ ऐसा कर नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सिंसियर है, उसके बाद अचानक से उसका गिरफ्तारी वारंट क्यों जाता है? नहीं, उसके पास कागज थे एग्जैक्ट, उसने जो बैंक के लिए लोन अप्लाई किया था तो बैंक वालों ने उसका एक खाता खोला था। ठीक है, उसके नाम से फर्जी खाता, और उसमें एक समिति के नाम से उस खाते को रजिस्टर्ड कर दिया। ठीक है, और उस समिति में 50 लाख का झोल झाल हुआ। ठीक है, मतलब फर्जी पैसा निकलवाते हैं, जैसे NGO में ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए करते हैं सामने लोग, NGO खोल के या फिर किसी संस्था में, तो उसके पैसे को बुलाया, मतलब उस पैसे मतलब उस के उसका जो अकाउंट था इसलिए उपयोग किया गया कि सरकारी फंड लाया जाए और निकाल लिया जाए। उसके नाम से ATM बना हुआ है, उसका साइन किया हुआ है, सब कुछ सही है, और 5 साल तक ये चलता रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता। उसका अकाउंट नंबर बैंक मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होता है, जो सिम रजिस्टर्ड होती है उसके खाते में उसके नाम की होती है। सिम उसी डॉक्यूमेंट से निकाल ली गई थी उसके नाम की। तो सर एक ही नंबर से ऐसे चल सकता है? एक ही नंबर से मतलब कह रहे हैं आप? ये नहीं है, जो नंबर उसके खाते में रजिस्टर्ड था वो उसके नाम से था, उसका नंबर नहीं था, लेकिन वो ये नहीं कह सकता था, वो ये कह देता कि मेरा नंबर नहीं है तो पुलिस वेरीफाई करेगी, यही कहेगी ना कि उसके नाम का है कि नहीं है, तो उसके नाम की सिम मिल रही है ना, जो सिम नंबर है वो तो रजिस्टर्ड उसके नाम से है। अब सोचिए ऐसी स्थिति में सामने वाला बंदा क्या करेगा? क्या वो डिनाई कर सकता है कि ये मेरा आधार कार्ड नहीं है? क्या वो डिनाई कर सकता है कि मेरा अकाउंट नहीं है? क्या वो ये डिनाई कर सकता है कि ये मेरा साइन नहीं है? कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आप सोचिए, वो बंदा मुझे इतना परेशान फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि बोल रहा था कि सर मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं बोला कि देखते हैं। ठीक है, फिर बाद में मैंने डभौरा TI को पर्सनली बोला, उसको समझाया कि केस का ऐसी स्थिति है, उसकी डायरी मंगवाई गई, दोबारा उसकी जांच अभी चालू है।
हम जो कर सकते थे अपने स्तर पे की मुझे पता चला कि हाँ वो सही बंदा है। थाने वाले बोले थे नहीं वो चूतिया बना रहा है, वो मूर्ख बना रहा है। कौन करता है? कोई नहीं देखता है। आप जब ड्यूटी में होते हैं ना तो आप इमोशंस हर जगह नहीं देख सकते, ठीक है? क्योंकि उतने ही घड़ियाली आंसू एक सही आदमी बाहर आए एक झूठा आदमी बाहर है, किसको पहचानोगे? महिलाओं के केस में तो आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते। हंसने वाली बात नहीं, आप नहीं पहचान सकते, ठीक है? क्योंकि तुरंत रोना आता है। वो सही के लिए भी उतना ही तेज रो सकती है और गलत के लिए भी उतना ही रो सकती है, ठीक है? क्योंकि वो खुद फंस रही है ना समस्या में। आंसू कब निकलते समस्या में? तो अपनी वास्तविक समस्या के लिए भी है, और यदि वो गलत भी है तो भी उनको समस्या ही है, तब भी निकल सकती है, ठीक है? तो ये सामान्य प्रक्रिया। अब सोचिए उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग यदि वो अब जाके अप्रोच करे मानवाधिकार को, तब ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन वो पता कैसे चला कि इस तरह के, लेकिन इस तरह के रिवॉल्व फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, इसलिए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड या आईडी ओरिजिनल देने से पहले 100 बार सोचिए कहीं पे भी, ठीक है? ये हम स्पष्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है? मुझे ही एक बैंक वाले ने, मतलब कि कार लोन के लिए था हमारा, तो उसके लिए उसने मांगा मेरे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दीजिए सिविल चेक करने के लिए। मैंने अपना पैन कार्ड नंबर लिख के दिया उनको, अपना आधार कार्ड नंबर लिख के दिया, DOB लिख दिया, सब कुछ दिया। मैं बोला डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, ये मेरे डिटेल है लिख लो बस, मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा ओरिजिनल, तुमको करना है तो करो, नहीं तो कोई बड़ी चीज नहीं। उसने किया, बिल्कुल हो सकता है हाँ। लेकिन आधार कार्ड देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है, जो सामान्यतः अभी चल रहा है जीवन में। आपके आधार कार्ड और वोटर आईडी लेकर के, मान लीजिए रीवा में लड़के लड़कियों को होटल में जाना बहुत सामान्य कॉमन चीज़ है, ठीक है? आप कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, मैं डिपार्टमेंट हूँ, मुझे पता है सब चीज़ें। क्या होता है कि आपका वोटर आईडी लिया, आधार कार्ड लिया, उस पे फोटो चिपकाई लड़की की या लड़के की या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की, ठीक है? और उसको फोटोकॉपी कर दिया, ठीक है? या फिर उसका कलर निकलवा लिया। आप उनको यदि होटल में जाना तो आपकी आईडी चिपका देंगे, होटल वाले बिना आईडी की एंट्री करते नहीं, ये आपको पता है ना, चाहे वो ओयो हो चाहे कोई भी हो, ठीक है? तो वो ओयो और वोटर आईडी से आपका ये चलता है, खूब मिलते हैं हमें। मेरे पास ही 4-5 ऐसे वोटर आईडी और आधार कार्ड पड़े हुए हैं, मुझे खुद नहीं पता किन के हैं ये। बाद में ये क्लिक किए गए थे जब उसमें चुनाव हो रहा था, तब ये फर्जी वोटर आईडी हमारे पास रखे गए थे, ठीक है? कुछ तो हमसे मांग भी रहे थे कि दे दीजिए सर 500 में, ठीक है? हमने जला दिया था आधों को, कुछ बचे थे बाद में, कुछ मतलब ड्राइवर में ऑफिस के पड़े थे, सबको जला दिए थे। ये सब चीज़ें नहीं हो सकती ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसका कितना मिसयूज हो सकता है। क्योंकि होटल वाले ऐसा कुछ नहीं करते कि आपके वोटर आईडी क्या करेंगे, 2-4 महीने बाद वो आपको वही ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर कोई लड़का लड़की जा रहा तो अपने माँ बाप को बता के ही गया, ठीक है? ठीक है, आप जा रहे हैं घूमने दिल्ली गए, बॉम्बे गए, कहीं भी गए, ठीक है, तो आपके माँ बाप को पता है, पर 50% केस में माँ बाप को नहीं पता होता। और यदि वो बोल दे कि मैं तुम्हारे घर में फोन लगा के सिर्फ इतना बोलेंगे मैं तुम्हारी माँ बाप को बता रहा हूँ, तो क्या होगा? पैसे तो आपसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 8-10 हज़ार तो कॉमन चीज़ है, होता है, ये कॉमन सी चीज़ है, होता है, ठीक है? इसलिए अपने वोटर आईडी, पर्सनल डॉक्यूमेंट सब सुरक्षित रखिए। और इन्हीं यदि इन चीज़ों का जब मिसयूज होता है तो यहाँ पे मानवाधिकार जैसी संस्थाओं का उपयोग होता है। हम सामान्यतः समझते हैं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो हर जगह एक्टिव हैं, ठीक है? इसलिए सेम नाम पुलिस आ गई थी घर में, होता ये तो नहीं कहते नहीं चोरी किया। एक जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का संस्थान अपने यहाँ शुरू हुआ है कियोस्क, कियोस्क में अच्छे अच्छों को तो पूछो ही मत, ठीक है? 10-15 फर्जी अकाउंट वैसे सरकारी योजनाओं को इधर उधर झोल झाल करने के लिए लिए जाते हैं, ठीक है? हमारे मतलब जो छोटा भाई रेंजर है वो बता रहा था कि अक्सर क्या किया जाता है कि रेंज में जो डेली वेज मजदूर होते हैं उनकी जो सरकारी मजदूरी होती है वो 500 रुपए होती है डेली, ठीक है? तो कियोस्क वाले से क्या करते हैं, फॉरेस्ट के जो रेंजर बुलाने हैं, मतलब डिप्टी ही चलाते हैं, फुल रेंजर को नहीं चलाता, वही 2-4 रेंजर होता है वही पूरी रेंज चलाते हैं। तो क्या करते हैं, कियोस्क वालों से 15 अकाउंट ले लिए, उसी में पैसा डलवाते हैं सरकार का और उसी से फिर वापस निकालिए। और सरकारी मजदूर मजदूर पूरा काम यदि करवाना है, मान लीजिए नाली बनवाना है 100 फुट, ठीक है? तो मजदूर कितने दिन खोदेगा, कम से कम 10 दिन खोदेगा, 10 मजदूर 10 दिन करेंगे। JCB से काम कराया, 1 घंटे में पूरा नाली बन गई, पूरा पैसा मजदूरों के नाम से फर्जी अकाउंट में गया, ठीक है? और 10 मजदूर यदि 10 दिन कर रहे हैं तो मतलब 1 मजदूर की मजदूरी है मिनिमम 250 मैं मानूं,
ठीक है सरकारी बोले तो 500 है, 10 का 5000, 50000 एक दिन का हो रहा है, 10 दिन का कितना हो गया 5 लाख रुपए। जेसीबी से कराया बहुत ज्यादा, 5000 उसका काम हो गया पूरा अंदर जेब में। ठीक है, आपको लगता है कि जो बड़े हैं वो बड़े कैसे बनते जा रहे हैं, मतलब उनके अंदर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है बिल्कुल वो इसी तरह होती है। ठीक है, लिखेंगे अगला हेडिंग केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग, लिखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ये बस जरूरी अंडरलाइन कर लेना, केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है, यह एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं निराकरण करता है। ठीक है, अगली लाइन लिखेंगे, यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन, यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालयों वित्तीय संस्थानों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पुस्तक लिख लीजिएगा PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसको बोलते हैं PSU। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। ठीक है, तो जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था, जिसके तहत आप सूचना के अधिकार की जानकारी लेते हैं अभी वर्तमान में, तो इसी अधिनियम के द्वारा इस केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, समय याद रखेंगे क्योंकि अधिनियम 2005 में ही आया था, तो ये आयोग की 2005 में आया। क्लियर, इसको याद रखेंगे। ये काम कहाँ करता है, केंद्र सरकार और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं,
ठीक है, तो पीएसयू में जैसे सरली क्षेत्र के उपक्रम हो गया, वहां के कार्यालय हो गए, वहां के वित्तीय संस्थान हो गए, ठीक है, तो यहाँ सीईसी काम करता है बड़े आराम से, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां कोई भी शिकायत आपको मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पे सूचना का अधिकार लगाते हैं, ठीक है, राज्य में, तो राज्य में ये काम नहीं करता है, राज्य सूचना आयोग अलग होता है उसके लिए, ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होता है पीएसयू होते हैं। पीएसयू कौन कौन होते हैं पता है, क्या होता है पीएसयू? पीएसयू वो नहीं होता है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं इसको, जो मैंने बताया ना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मतलब जो आपके सरकारी बैंक है इतने वो पीएसयू में आएंगे, बीएचईएल पीएसयू में आती है, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एनटीपीसी पीएचयू में आती है, ठीक है, एनएमडीसी, ठीक है, वो पीएचयू में आती है, मतलब जितनी सरकारी कंपनियां हैं वो सब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो सारी जो सरकारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं किसी क्षेत्र, वो पीएसयू में आती है, जैसे ओएनजीसी हो गया आपका, आईओसीएल हो गया, ये सब सरकारी कंपनियां है ना, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी एचपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब भी सरकारी कंपनियां, इनको पीएसयू ओपन बोलते हैं। तो इनके अंदर यदि कोई भी गड़बड़ी होती है ना, तो सीईसी यानी कि आपका सॉरी सीआईसी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो कभी भी कार्रवाई कर सकता है, जांच कर सकता है, जानकारी ले सकता है, या उनको समन कर सकता है, ठीक है, ठीक है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं, आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगली लाइन लिखेंगे नीचे से, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु मुख्य सूचना आयुक्त एवं आयुक्त 5-65, ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे आयोग, लिखेंगे राष्ट्रपति, अगली लाइन से राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकते हैं, सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकते हैं। अभी यह लिखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते
मुख्य सूचना आयुक्त वेतन एवं भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। ठीक है, कल आप लोग डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने आर्टिकल हैं पढ़ के आइए, मतलब 36 से 51 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के सारे कुछ जो है पढ़ के आइए। मैं किसी से भी रैंडमली पूछ सकता हूँ। देखिए आयोग के कार्य, आयोग के कार्य, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य वही है। पहले लिखेंगे आयोग को जांच करते वक्त दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। आयोग को जांच करते वक्त दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। दूसरा लिखेंगे आयोग ठोस आधार पर स्वप्रेरणा से, आयोग ठोस आधार पर स्वप्रेरणा से किसी मामले में जांच का आदेश दे सकता है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे। लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे। लोक प्राधिकारी से मतलब यह है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है शासन का, मतलब आपके पद में कोई हो सकता है, थानेदार भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है, एसडीएम भी। ठीक है, मतलब जो जनता के लिए नियुक्त अधिकारी है उनसे अपने निर्णयों का अनुपालन वो सुनिश्चित करता है कि हो, निर्णय जो भी हो रहा है, मतलब उसने जो भी निर्णय दिए हैं उनका पालन हो। ठीक है, अगले देखेंगे जब लोक प्राधिकारी अधिनियम का पालन नहीं करता, अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम की बात हो रही है, जब लोक प्राधिकारी अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। तो आयोग आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, इसी तरह इसमें राज्य सूचना आयोग होता है जिसमें राज्यपाल नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल ही हटा सकते हैं। क्लियर, जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम।
सेम है, फंक्शंस सब ही सेम है लगभग इसके, ठीक है। अनुच्छेद बस अनुच्छेद है, ठीक है। असंवैधानिक निकाय भी मतलब इसकी स्थापना उसकी 2005 हाँ 2005 में ही है, राज्य में सेम है, सब कुछ वही है। इनकी संख्या वही 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब सेम है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये हो चुका ना? नहीं हुआ है। अच्छा लग, सिर्फ नाम लिखा है सर। केंद्रीय सतर्कता आयोग लिखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। जिसका गठन भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है, जिसका गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा, जिसका गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ। हाँ, जिसका गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ। भ्रष्टाचार रोकने पर, अगली लाइन, भ्रष्टाचार रोकने पर बनाई गई, भ्रष्टाचार रोकने पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ। उसके बाद आपको लिखना है भ्रष्टाचार रोकने पर बनाई गई संथानम समिति, अंडरलाइन कर लेना इसको। भ्रष्टाचार रोकने पर बनाई गई संथानम समिति, संथानम संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। पहले तो ना ही संवैधानिक संस्था थी, ठीक है, और ना ही सांविधिक, क्लियर। 2003 से इसमें चेंजेस हुए, लिख लीजिए इसको। अभी लाइन सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा, सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया, इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। सांविधिक मतलब एक अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा इसको सांविधिक दर्जा दे दिया गया, जबकि संवैधानिक नहीं, ठीक है, ना असंवैधानिक है ना संवैधानिक है, उसके बीच की है कौन सी, सांविधिक। ये समझने द्वारा संवैधानिक का संवैधानिक क्या होता है, जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है तो वो हो गई संवैधानिक, ठीक है, जिनका उल्लेख बिल्कुल नहीं है वो हो गई असंवैधानिक, और जिनका गठन कानून बना के किया गया, संविधान में तो नहीं है लेकिन संसद द्वारा कोई कानून बना करके कर दिया गया है तो वो हो गया क्या, सांविधिक, ठीक है, क्लियर है ना। आयोग में, आयोग में एक अध्यक्ष व दो से, दो या दो से कम, आयोग में एक अध्यक्ष व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं,
सतर्कता आयुक्त तो होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, देख लीजिएगा जो भी है।